मैंने सपने में कमने सपने में श्याम को देखो है सुने पंडित जी जी ने बिटिया चिट्ठी बटवा दी जवाब दिया बेटी तुमने श्याम के लिए चिट्ठी बटवा दी। रुक्मणी रो करके कहती है पंडित जी अभी नहीं, आप एक काम करो हमारा पत्र श्याम तक ले जाने वाला कोई नहीं है पंडित जी, आप एक काम कर दो आप ही हमारी चिट्ठी श्याम तक पहुंचा दो। पंडित जी कहने लगे बाजी बा बिटिया जो बोले सोई कुंडी खोले, यहाँ से 750 को सदौरे का है और हम पर बुढ़ापा है चला नहीं जाता है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। रुक्मणी रोने लगी और जहाँ रुक्मणी रोई पंडित जी को दया आ गई। जवाब दिया बिटिया चिट्ठी लिखो। रुक्मणी माताओं चिट्ठी लिखने के लिए कागज कलम लेकर के बैठ गई, दो शब्द लिखती है ऊपर तक चार आंसू टपकाए देती हैं। काफी देर हो गई, पंडित जी ने पूछ लिया रुक्मणी चिट्ठी लिख दी? कुछ नहीं लिख पाया माताओं, अंत में मोहर लगा दी पूरे कागज पे करवा चौथ बनाए के दत्ताई और मोहर लगा दी का तुम्हारे चरणों की चेरी रुक्मणी और पंडित जी को पकड़ा दी। जवाब दिया पंडित जी चले जाओ। पंडित जी चले, गर्मी का मौसम धूप पड़ रही है। पंडित जी ने विचार किया क्या रुक्मणी के चक्कर में हम नहीं मर जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक सुंदर बगिया देखी और पंडित जी बगिया में प्रवेश कर गए। मन में विचार किया पंडित जी ने, कह तो फेरी बेलमाले हाँ तो फेरी अपना
जी ने अपना आसन लगाया, ठंडी ठंडी हवा चली, पंडित जी सो गए। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि पंडित जी चिट्ठी लेकर आ रहे, पंडित जी तो सो गए। द्वारकाधीश कन्हैया ने क्या किया, अपनी योग माया से जैसी बगिया में पंडित जी लेटे माताओं, द्वारका के करीब उतनी सुंदर बगिया बनाई और यहाँ से उठाया वहां लेटा दिया। पंडित जी की आंख खुली, जब निकले के चरे, पंडित जी बोले बाजी वाह भगवान, हम तो सोते ही सोते आ गए, हमें तो पता भी नहीं चला हम द्वारका में कब आ गए। आगे बढ़े, एक ग्वाला से भेंट हुई, जाकर के पूछा, ग्वाला भैया ये बताओ ये द्वारका नगर है क्या? जवाब दिया द्वारका छे। ग्वाला ये द्वारका नगर है क्या? द्वारका छे। कन्हैया इसी नगर में रहते हैं? कन्हैया छे। जवाब दिया मुझे छह कन्हैया से नहीं, एक कन्हैया से मिलना है। ग्वाला बोला पंडित जी मेरी बात सुनो, कन्हैया इसी नगर में रहते हैं? पंडित जी बोले भैया तो तुझे छक्काड़ो काहे को पेले फिर रहो है। ग्वाला बोला पंडित जी हमें जो लग रही है तुम पूरब के हो, पूरब से आए हो, हमारे यहाँ है को छह बोलते हैं। कन्हैया का दरबार ग्वाला ने बताया। श्याम सुंदर आगे बढ़े, जहाँ भगवान श्याम सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, पंडित जी को आता हुआ देखा, कहा आओ पंडित जी आओ, कहाँ से आना हुआ? पंडित जी जब पास में पहुंचे हैं दादा लोग, तो पंडित जी ने बताया कन्हैया सुनो मैं कहाँ से आया हूँ। ब्राह्मण बोले है गिरधारी और मैं कुंदन पुर से आया हूँ, और रुक्मिणी तुम्हारी चेरी है उसका संदेश लाया हूँ। ब्राह्मण बोले है रुक मेरी तुम्हारी चेरी है का संदेश लाया हूँ। जवाब दिया सुनो पंडित जी, ब्राह्मण बोले है गिरधारी रखना भागवत प्रेमियों। पंडित जी ने जाकर के वो चिट्ठी पकड़ा दी, तो मुरली मनोहर घर